हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अड्डा पे। जैसा कि कल हम यूपी भी आर यूनल का पेपर पढ़ाए थे और उसमें से 80 क्वेश्चन कवर करवा दिए थे, बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको आज पढ़ाने के लिए बोले थे। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं जो 80 से आगे वाले क्वेश्चन हैं। साथियों, वक्त ख़राब चल रहा है जिसकी वजह से बहुत से बच्चे घबरा गए हैं, जिससे तैयारी वारी छोड़ छाड़ के चुपचाप घर पे बैठे हैं। तो उनको मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें लापरवाही अपने करियर के साथ, क्योंकि ये अभी समय गंवाएंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। और एक करियर टाइम है, जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने करियर पर लगाएँ, क्योंकि अभी समय ख़राब है थोड़ा सा, लेकिन समय को सही होते टाइम नहीं लगेगा और जैसे ही सही हो जाएगा तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसलिए अपनी तैयारी अपने स्थान पे बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा है 81 नंबर क्वेश्चन, इन अ पार्टियल जर्नल वेयरिंग द एंगल ऑफ कंटेक्ट ऑफ द वेयरिंग विथ द जर्नल, जो पार्टियल जर्नल वेयरिंग होता है तो उसमें जो क्या बोलते हैं कि वेयरिंग से जर्नल का कंटेक्ट होता है तो कितने एंगल पे होता है। ठीक है, तो कितने एंगल पे होता है, 120 एंगल पे होता है वो। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग मेटल फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्क पीस इज नॉन। मान लीजिए कोई वर्क पीस है इस शेप में है, ठीक है, अब उसके एंड में जो है यहाँ पर हम कोई भी मटेरियल रिमूव करेंगे तो उसमें कौन सा प्रोसेस करेंगे। देखिए, थ्रेडिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि थ्रेडिंग पूरे इसमें करना पड़ेगा, नर्लिंग भी नहीं कर सकते, टर्निंग भी नहीं कर सकते क्योंकि टर्निंग भी पूरे इसमें करना पड़ेगा, नर्लिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फेसिंग प्रोसेस जो है वो हमको एंड में ही, ये फेसिंग प्रोसेस है और ये एंड में ही होगा। ठीक है, तो फेसिंग प्रोसेस हो गया। इसके बाद है बी ब्लॉक 50 बाय 5 डैश 40 ए का उपयोग जो आपको पकड़ने के लिए किया जाता है, जिसका व्यास मतलब कि जो बताया जाता है। ठीक है, तो जिसमें 5 और 40 दिया हुआ है तो 5 से 40 mm के मध्य में पकड़ा जाता है। ठीक है, ये यही डिनोट करता है कि जो 5 और 40 है इसके बीच में हम किसी भी जाप को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मशीन टैप। अब इसमें मशीन टैप का प्रकार कौन सा नहीं है, तो इसमें जो आपका टैपर टैप है ये मशीन टैप का नहीं है, ये हैंड टैप है। ठीक है, टैपर टैप मशीन टैप का प्रकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आईसी इंजन के सिलेंडर के बोर को अच्छी तरह परिष्कृत किया जाता है तो उसमें हानिंग के द्वारा हम करते हैं। ठीक है, हानिंग के द्वारा करते हैं, जो हानिंग प्रोसेस होती है उसके द्वारा हम आईसी इंजन के सिलेंडर के बोर को अच्छी तरह से परिष्कृत करते हैं। इसके बाद है बेयरिंग ऑफ मीडियम सीरीज हैव कैपेसिटी ओवर द लाइट सीरीज, जो लाइट सीरीज में के ऊपर होता है तो उसमें कितने प्रतिशत होता है। ठीक है, तो 30 से 40% के बीच में होता है वो चीज़। इसके बाद है जिंक हैज कलर ऑफ, जो जिंक का कलर होता है तो कैसा होता है, वो ब्लूसी ग्रे होता है, मतलब कि कुछ कोयला टाइप का होता है लेकिन चमकता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मशीनी औजार का तत्व नहीं है, मतलब कि अगर मशीनी औजार की बात करें इसमें मशीन में स्पिंडल भी रहता है, बेयरिंग भी रहता है और उसकी संरचना, इसका चालन, जो कटिंग औजार है, कटिंग टूल्स है, वो मशीनी औजार का नहीं है, वो अलग कटिंग टूल है, उसको अलग से हमको फिट करना होता है। इसके बाद है यहाँ पर न्यूट्रल ज्वाला में ऑक्सीजन और सिलेंडर को किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो यहाँ पर जो आंसर है गलत दिया है दोस्तों, इसमें न्यूट्रल है यानी उदासीन, और उदासीन में 1:1 ही होता है। ठीक है, इसलिए इसका तीसरा वाला आंसर सही होगा। इसके बाद है वामावर्त गैस वेल्डिंग तकनीक में वेल्डन टार्च तथा कार के मध्य कोण रखा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, लेफ्ट वार्ड गैस वेल्डिंग तकनीक में जो वेल्डन टार्च होता है और उसके कार्य के मध्य कोण कितना होता है,
तो 60 से 70 के बीच में रखते हैं। इसके बाद सरफेस गेज का उपयोग होता है। सरफेस गेज का उपयोग हम कब करते हैं, तो कार की यथार्थता को बनाए रखने के लिए। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है कि सतह की परिस्थिति की चेक करने के लिए नहीं, सरफेस प्लेट की लेवलिंग चेक करने के लिए। हाँ ठीक है, तो जो होता है किसके लिए होता है, कार्य की यथार्थता को मतलब शुद्धता को बनाए रखने के लिए होता है। इसके बाद है गैल्वेनाइजिंग में धातु परत, तो गैल्वेनाइजिंग करते समय हम किसकी परत चढ़ाएंगे, गैल्वेनीकरण में जस्ते की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद है नाइफ एच फाइल के लिए टेपर होता है, तो नाइफ एच फाइल के लिए टेपर 10 डिग्री पर होता है। इसके बाद पिग आयरन को गलाकर रॉट आयरन बनाया जाता है, तो पिग आयरन को गलाकर हम रॉट आयरन किसमें बनाते हैं, पुडलिंग फर्नेस में बनाते हैं। किस धातु की वेल्डिंग के लिए गाला का उपयोग नहीं होता है, किस धातु की वेल्डिंग, तो कार्बन, जो कार्बन इस्पात होता है, ठीक है, कार्बन इस्पात की वेल्डिंग होती है, या फिर उसके लिए हमको गाला का उपयोग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है 100 mm की साइन बार 30 डिग्री कोण पर गेज ब्लॉक पर रखी हुई गेज ब्लॉक की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, क्या बता रहा है, 100 mm की साइन बार 30 डिग्री के कोण पर गेज ब्लॉक पर रखी हुई गेज ब्लॉक की ऊंचाई क्या होगी, तो इसमें होगा 50 mm। ठीक है, इसके बाद है प्रिंग, जो प्रिंग पंच है के किस कोण का उपयोग विटनेस मार्क के लिए किया जाता है। दोस्तों देखिए, जो प्रिक पंच होता है उसका मेन रूप से जो एंगल होता है 30 होता है, और 30 और 60 होता है, ठीक ना, तो उसमें जो 30 वाला होता है इसका उपयोग हम डिवाइडर को सही कंडीशन में रखने के लिए करते हैं, सही तरीके से रखने के लिए करते हैं, और जो दूसरा होता है 60 डिग्री उसको हम विटनेस मार्क के लिए रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर सिर्फ प्रिक पंच का एंगल पूछे तो हमको 30 ही बताना है, ठीक है, और अगर इसमें अलग अलग पूछ दे रहा है, जैसे डिवाइडर को सही कंडीशन में रखने के लिए हमको 30 लिखना पड़ेगा, और जो विटनेस मार्क के लिए अगर पूछे तो हमको 60 बताना पड़ेगा। इसके बाद है मृद स्टील प्लेट पर 25 mm व्यास की ड्रिलिंग के लिए चक्र प्रति मिनट कितने होंगे, जबकि अनुशासित कटिंग स्पीड 25 है। ठीक है, तो इसको उसका वाला ड्रिल वाला फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, देख लीजिए उसमें, मैं इसको थोड़ा ध्यान नहीं दिया हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें किताब में दिया हुआ है, ठीक है, वो वाला फार्मूला लगा के रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट करिएगा, तो मैं इसको भी करा दूँगा, कोई बात नहीं। इसके बाद दो मैटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस को जाँचने के लिए, तो ये तो पिछले वीडियो में 2-3 बार कवर करा दिया हूँ, इसमें फिलर गेज होगा। ठीक है, जिससे दो मिलने वाले पार्ट के बीच गैप को चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक परिपथ में प्रत्येक जी का प्रयोग होता है, तो जी का प्रयोग दाब मापक गेज के रूप में होता है, जो जी होता है वो दाब मापक का काम करता है। ठीक है, प्रयोग वाला। इसके बाद है एक्मे थ्रेड का चूड़ी एंगल कितना होता है, तो एक्मे थ्रेड का जो चूड़ी एंगल होता है कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, 29 होता है एक्मे थ्रेड का चूड़ी। इसके बाद है ब्रेजिंग में समान उपयोग में आने वाला गालक, तो बोरेक्स होता है। ठीक है, और बाकी जो है शोल्डर के लिए है, ठीक ना, जो ब्रेजिंग के लिए है, ठीक है, तो बोरेक्स होता है। कौन सी उष्मा उपचार प्रक्रिया का उपयोग स्टील की संरचना परिस्थिति करने के लिए किया जाता है, तो देखिए जो फिनिश करने के लिए जो स्टील के स्टील है उसको एकदम सही ढंग से लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक प्लेट 25 mm के छेद के लिए रिवेट सैंक का व्यास होगा, तो देखिए जो रिवेट सैंक होता है उसका व्यास हमको कम रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 25 mm के प्लेट में है, तो अगर उसमें हम दोनों तरफ से टैप करेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा मोटा होगा। ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा कम रखना पड़ेगा ताकि वो जाके कवर हो जाए। ठीक है, इसके बाद है उष्मा उपचार का उद्देश्य है, तो उष्मा उपचार का हम उद्देश्य कब करते हैं, तप्त एवं अतप्त रूपण के दौरान पदार्थ से उत्पन्न प्रतिबल को खत्म करना और धातु को नरम बनाना। ठीक है, बाकी इसमें दिया होगा मशीनता काम करना तो गलत है, धातु को नरम करना ये भी गलत है, लेकिन अगर हम उष्मा उपचार का मेन पर्पज हमारा होता है कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो प्रतिबल है, प्रतिबल उत्पन्न होता है, तनाव स्ट्रेस उत्पन्न होता है, उसको ख़त्म करना है और धातु को नरम करना है, नरम बनाना है। इसके बाद है नीचे दी गई कुंजी में से कौन सी की है जिसके ऊपरी भाग समतल और निचला भाग अर्धगोलाकार होता है, तो बुड्रफ की। ठीक है, जो बुड्रफ की होता है उसका इस शेप में रहती है, ठीक, अर्धगोलाकार होता है, अर्धगोला टाइप का। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारी बुड्रफ की होगी। ठीक है,
बता रहा है, जिसका ऊपरी भाग समतल होता है, ऊपरी भाग समतल एकदम होता है और निचला भाग अर्धगोलाकार होता है, ठीक है, अर्धगोला टाइप में, ठीक। इसके बाद ड्रॉपिंग बिंदु वह है तापमान है जिस पर ग्रीज बदलता है, ठीक है। तो ड्रॉपिंग बिंदु में क्या होता है कि जो अर्ध ठोस अवस्था होता है, ठीक है, तो ड्रॉप मतलब कि बूंद के रूप में होता है, यानी कि द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, ठीक है, वो होता है, ठीक। तो पूर्णतः नहीं पिघलता है, मतलब बूंद बूंद बन के गिरता है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, एक वेल्डिंग परिमाण मित्र मतलब कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग बदलने के लिए करते हैं, तो किस लिए करते हैं? दृष्टि धारा को दृष्ट वेल्डिंग धारा में बदलने के लिए नहीं करते हैं। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन, प्रत्यावर्ती मुख्य धारा मतलब कि एसी मेन सप्लाई को दृष्ट धारा डीसी वेल्डिंग सप्लाई में करते हैं, तो इसमें भी नहीं करते हैं। जो होता है इसका मेन पर्पज़ होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का मेन पर्पज़ जो होता है प्रत्यावर्ती मुख्य धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में बदलना, ठीक है। जो प्रत्यावर्ती मुख्य धारा होती है इन मतलब एसी सप्लाई को वेल्डिंग सप्लाई में चेंज करना, एसी वेल्डिंग धारा में चेंज करने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है फॉर मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल लाइक ब्रास द प्रैक्टिकली द बैक रैक एंगल वुड बी इक्वल, ठीक है। इसमें जो पूछ रहा है कि जो मशीनिंग के लिए जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, तो जैसे ब्रास हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हम रैक एंगल, पीतल के लिए हम रैक एंगल कितना रखते हैं? तो पीतल के लिए हम रैक एंगल शून्य रखते हैं, ठीक है, शून्य रैक एंगल होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग्स चैरेक्टरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सेलेक्टिंग द गेज, गेज को हम सेलेक्ट करते हैं मतलब चूज करते हैं, तो उसके लिए कौन सा गुण उसको देखना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर जो बियर रेजिस्टेंस है उसके बारे में देखना चाहिए, बाकी डक्टिलिटी से कोई मतलब नहीं है, कोरिजन रेजिस्टेंस से भी कोई मतलब नहीं, स्ट्रेस से भी कोई मतलब नहीं है, जो बियर रेजिस्टेंस है उसके बारे में हमको देखना चाहिए, इसके बाद ही सेलेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हैंड फाइल जैसी परंतु सक्रिय, ठीक है, होती हैंड फाइल जैसी है, ठीक, लेकिन सक्रिय यानी सक्रिय छेदों के लिए उपयोगी है, जहाँ हैंड फाइल नहीं जा सकती, ठीक है। तो देखिए जैसे फ्लैट फाइल है तो फ्लैट फाइल तो हो नहीं सकती है, ठीक है, राउंड फाइल भी नहीं हो पाएगी क्योंकि हैंड फाइल की जैसी होता है। हाँ, हैंड फाइल हमारी कैसी होती है? हैंड फाइल हमारी, एक मिनट में चित्र से बता दूंगा आपको, देखिए ये इस प्रकार से होती है, कुछ इस शेप में, ठीक है। फ्लैट फाइल भी ऐसी ही होती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से टेपर होती है, ठीक है, ठीक। फ्लैट फाइल एकदम सीधी रहती है और हैंड फाइल थोड़ा सा टेपर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात बढ़ रहा था सकरी जगहों के लिए, तो यहाँ पर स्क्वायर फाइल भी नहीं होगी क्योंकि हैंड फाइल की तरह बोला है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको पेयर फाइल उपयोग करना है। इसके बाद दी गई गहराई तक छिद्र के व्यास को बढ़ाने की विधि सॉकेट स्क्रू हेड के लिए, मतलब कि हम किसी भी सॉकेट स्क्रू हेड के लिए बनाने के लिए हम जब भी करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं। काउंटर बोरिंग में होता क्या है कि पहले से ही कुछ बना रहता है, पहले से ही ड्रिल रहता है, उसमें कुछ दूरी तक होल कर देते, मतलब होल को ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो हो गया काउंटर बोरिंग। इसके बाद है यदि वी कटिंग स्पीड है टी टूल लाइफ और सी स्थिरांक हो, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो वी टी एन बराबर सी, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है, इनको याद करने की कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा इनको देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही उपयोगी हैं। इसके बाद है लकड़ी के कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो लकड़ी का कार्य जो होगा तो हमारा रस्प कट फाइल, ठीक है, कई बार इसको बताया गया है, रस्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। इसके बाद है अंतर दहन इंजन की गजन पिन परिस्थिति की जाती है, मतलब कि जो अंतर्दहन इंजन होता है तो उसमें जो गजन पिन होती है किसके द्वारा बनती है, लेपिंग के द्वारा, और लेपिंग जानते हैं आप लोग, लेपिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा सबसे कम मात्रा में धातु को हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है मॉस टेपर का नंबर एक बराबर होता है, तो नंबर एक होता है 0.5 5986 इंच प्रति फुट होता है, ठीक है, ये वैल्यू है, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद बाइफेड जॉइंट टर्म उपयोग करते हैं, तो उसमें किस लिए करते हैं, तो बता रहा है लेड के पाइपों को जोड़ने के लिए, ध्यान रखिएगा बाइपेड जॉइंट जो होता है लेड के पाइपों को जोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद धातु सीट धातु विनिर्माण के लिए, जहां धातु बहुत पतली एवं कम सामर्थ्य की हो तो किस रिवेट का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर फ्लैट हेड रिवेट का उपयोग
करेंगे, ठीक है। इसके बाद है ये लेथ मशीन से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक एक 30 mm व्यास का जॉब लेथ मशीन पर 350 चक्कर प्रति मिनट घूम रहा हो, तो जॉब की कटिंग स्पीड बताओ, ठीक है। कटिंग स्पीड की बात कर रहा है, तो देखिए जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ पर कटिंग स्पीड निकालने के लिए, तो होता है हमारा पाई होता है डी और एन बटे 1000, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तब देखिए इसको क्या करेंगे, पाई की वैल्यू लिख देंगे, पाई का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, ठीक है, इनटू अब हमको डी कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ठीक है, और एन कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है, ठीक है, बटे 1000 दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। ए ज़ीरो से ए ज़ीरो कट गया, ठीक है, और एक 7 से ये कट गया तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 से ये कट गया तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, कितना बच रहा है 66 हो रहा है, 22 63 66 और बटे 2, इसको आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, यानी कि हमारा 33 mm जो है ये राइट आंसर होगा, ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ज्वाला का उच्चतम तापमान उत्पन्न होगा, उच्चतम तापमान, तो उच्चतम तापमान कहाँ उत्पन्न होना चाहिए, टार्च के टिप पर, तो टार्च की टिप पर नहीं होगा, ये होगा आंतरिक आवरण में, मतलब जो आंतरिक आवरण होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वाला टेम्परेचर रहेगा। इसके बाद है सोल्डर एक एलाय है, तो सोल्डर जो होता है जिंक और टिन और लेड का एलाय होता है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित कौन सा भाग फाइल में नहीं होता है, ठीक, तो यहाँ पर हम थोड़ा फाइल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये इस टाइप में होता है फाइल, ठीक है, ये जो होता है हील होता है, ठीक है, और ये हमारा कर्तन कटिंग एज होता है, ठीक है, फाइल का ये फेस होता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, इसमें दिया हुआ है हील दिया हुआ है, शोल्डर दिया, फ्लूट दिया है, टैग दिया है, तो मतलब कि इसमें हील भी रहेगा, शोल्डर भी रहता है, टैग भी आता है, और फ्लूट तो नहीं रहता, फ्लूट क्योंकि ड्रिल बेट में पाया जाता है, ठीक है, इसमें फ्लूट नहीं रहता। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ड्राप ट्यूब का प्रकार नहीं है, तो देखिए जो फ्लैट होता है, ठीक है, वो फ्लैट ट्यूब नहीं होती, क्योंकि कॉनिकल और एल्बो बेल माउथ सब हो सकती है, लेकिन जो फ्लैट होती है फ्लैट प्रकार के ट्यूब नहीं हो सकती है, ठीक है, तो वही पूछ रहा है प्रकार ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद है ड्रिल चक ड्रिलिंग यंत्र में फंसा होता है, तो वो आर्वर के द्वारा आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद है भारतीय मानक के अनुसार प्लेन कार्बन इस्पात 20C8 से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका अर्थ है, ठीक है, तो इसका अर्थ है कार्बन 0.15% से लेकर 0.25 एवं मैंगनीज 0.60 से 0.90 तक, ठीक, ये होता है, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है सिलेंडर के खोल की ढिलाई, मतलब कि जो सिलेंडर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ढूसर ढलवा लोहा का करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कोरेसिंग रेजिस्टेंस में स्टील की इंक्रीज स्टील इज इंक्रीजिंग बाय एडिंग, तो स्टील को बढ़ाया जाता है, तो किसके द्वारा स्टील में क्या बढ़ाया जाता है कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, तो एल्युमिनियम और जिंक नहीं बढ़ाया जाता, क्रोमियम और निकिल, और इसको हम बढ़ाते हैं। देखिए क्या बता रहा है, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए हम किसको बढ़ाते हैं, क्रोमियम और निकिल को बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको मेन इससे मतलब है कि इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल थे मुझे ढूंढ के लाया हूँ, तो इनको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।